नेक्स्ट नाइन न्यूज, मैं हूं आपकी होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूं आज बॉलीवुड बस में। जानते हैं आप कि हम जब भी ये प्रोग्राम लेकर आते हैं तब हम आपको रूबरू करवाते हैं उन खबरों से जो इन दिनों बस का कारण बनी होती हैं। दरअसल इन दिनों एक ऐसी खबर है जो काफी ज्यादा लाइमलाइट बटोरती हुई दिखाई दे रही है और वो खबर है जूनियर बच्चन को लेकर, यानी कि अभिषेक बच्चन को लेकर। दरअसल अब ऐसा लग रहा है कि अभिषेक बच्चन की किस्मत का जो सिक्का है वो चलने लगा है। दरअसल हाल ही में उनकी फिल्म मन मर्जिया रिलीज हुई और काफी अच्छा रिस्पांस भी इस फिल्म को मिलता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, हर कोई इस फिल्म में जहां पर अभिषेक की तारीफ कर रहा है वहीं पे हर कोई यहाँ पर अभिषेक की एक्टिंग को देख कर भी काफी ज्यादा खुश हो रहा है। मानो अब ऐसा लग रहा है कि जहां पर मन मर्जिया अभिषेक के करियर को एक बूस्ट दिलवा रही है तो वहीं अब ऐसा लग रहा है कि भाई उनके हाथ में एक और फिल्म लग गई है और वो फिल्म कोई ऐसे वैसे डायरेक्टर की नहीं, दरअसल वो फिल्म है संजय लीला भंसाली की। संजय लीला भंसाली के साथ बॉलीवुड का हर एक एक्टर काम करने की इच्छा जताता है और अब की बार अभिषेक का हाथ थामा है संजय लीला भंसाली ने। अब आप देखेंगे कि अभिषेक को कौन सी फिल्म मिली है। जहां पर हाल ही में इस फिल्म की स्क्रीनिंग हुई थी, जब मनमर्जिया स्क्रीनिंग अभिषेक के पिता यानी कि अमिताभ बच्चन ने देखी तो उन्होंने भी जम के तारीफ की। ऐसे में हर कोई इस फिल्म को पसंद कर रहा है, हर कोई काफी ज्यादा ही इस फिल्म का इंतजार भी कर रहा था। तो वहीं अब जहां पर दूसरी फिल्म मिल गई है, अब आप देखिए कि जहां पर संजय लीला भंसाली ने अभिषेक का हाथ थामा है तो क्या अब अभिषेक जो है कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, यानी कि किस्मत का सिक्का जो हम यहाँ पर बार बार ही कह रहे हैं इसी ब्रेक का उन्हें इंतजार भी था। कौन सी फिल्म है आप देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन जो इन दिनों खबरों का कारण बने हुए हैं। जी हाँ, देखा गया है कि अभिषेक बच्चन की फिल्म जहाँ मन मर्जिया रिलीज हुई तो इस फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। मानो इस फिल्म में अभिषेक की एक्टिंग का हर कोई दीवाना भी हो गया, हर कोई अभिषेक की जबरदस्त एक्टिंग का तारीफ करते हुए भी दिखाई दिया। जिस अंदाज में अभिषेक ने इस फिल्म में अपने किरदार को निभाया वाकई ही वो काबिलियत तारीफ भी है। दरअसल अभिषेक बच्चन 2 साल बाद जहां पे बड़े पर्दे पे उन्होंने फिल्म मन मर्जिया से वापसी की तो ये फिल्म का रिस्पॉन्स उन्हें काफी अच्छा मिला। अब मानो ऐसा लग रहा है कि अभिषेक बच्चन की किस्मत खुल गई है। जी हाँ, फिल्म पद्मावत की सफलता के बाद निर्देशक संजय लीला भंसाली अब एक और फिल्म बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि ये फिल्म मशहूर कवि और लेखक साहिर लुधियानी के जीवन पर बनने वाली है। ये सिलसिला में 2 साल पहले ही संजय लीला भंसाली ने मनमर्जिया एक्टर यानी कि अभिषेक बच्चन से बात कर ली थी, लेकिन बाद में इसकी कोई खबर सामने नहीं आई। जी हाँ, अभी हाल ही में अभिषेक बच्चन ने संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में काम करने की इच्छा को जाहिर किया है। जी हाँ, बता दें कि जूनियर बच्चन ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि संजय लीला भंसाली ने साहिर की फिल्म को लेकर मुझसे बात जरूर की थी, लेकिन बाद में जाने क्या हुआ कि उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। तो वहीं अभिषेक ने कहा कि शायद वो अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी हो गए। अब मैं जरूर बात करूंगा और पूछूंगा कि संजय जी से कि क्या हुआ साहिर आने वाली फिल्म का। मुझे वो कहानी बेहद पसंद आई और मुझे उस फिल्म में जरूर काम करना है। आपको बता दें कि मानो ऐसा लग रहा है कि अब संजय लीला भंसाली के साथ अभिषेक की जोड़ी को देखा जा सकता है। जी हाँ, साथ ही साथ जहां पर मनमर्जिया लोगों को पसंद आ रही है तो वहीं गीतकार साहिर और अभिनेता प्रतीम की लव स्टोरी बेहद ही दिलचस्प भी मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि इन दोनों की जो लव स्टोरी है वो बेहद ही ज्यादा अनोखी भी है। जी हाँ, आप देखना होगा कि जिस फिल्म के लिए जहां पर पहले संजय लीला भंसाली ने अभिषेक से बात की थी आखिरकार वो फिल्म उनको मिलती है या फिर और उन्हें फिल्म के लिए कितना इंतजार करना होगा। आपको बता दें अमृता के किरदार के लिए अभी फिलहाल किसी अभिनेत्री को कास्ट नहीं किया गया है। खबरें तो ये भी कह रही हैं
किस फिल्म में आलिया भट्ट को कास्ट किया जा सकता है। बात करें अभिषेक बच्चन की पत्नी अगर ऐश्वर्या की, तो उन्होंने हाल ही में संजय लीला की फिल्म करने से इनकार कर दिया था। मानो कहीं ना कहीं जहां पर अभिषेक बच्चन उनके साथ काम करना चाहते हैं, तो वहीं जब ऑफर आया ऐश्वर्या राय बच्चन को, उन्होंने साथ काम करने से साफ इनकार कर दिया। कहीं ना कहीं जहां पर बॉलीवुड के ऐसे डायरेक्टर हैं संजय लीला भंसाली, जिनके साथ हर कोई काम करना चाहता है, ऐसे में अगर साहिर की बायोपिक पे अभिषेक बच्चन को रोल करने को मिलता है, तो वो यकीनन ही उनके करियर को एक अलग ही मुकाम देगी। मानो कहीं ना कहीं संजय लीला भंसाली अब हो सकता है मनमर्जिया की सक्सेस के बाद अभिषेक बच्चन का हाथ थाम ले। कहीं ना कहीं जहां उन्होंने अभिषेक से पहले ही बात कर ली थी, तो अब अंदाजा लगाया जा रहा है, तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि अभिषेक और संजय की जोड़ी को बड़े पर्दे पर भी देखा जाएगा। खैर ऐश्वर्या ने संजय के साथ काम करने को इनकार कर दिया। हो सकता है कि वो उनका कोई निजी फैसला हो, मगर आपको बता दें कि बेहद ही जल्द बड़े पर्दे पर आपको ऐश्वर्या और अभिषेक की जोड़ी फिल्म गुलाब जामुन में भी दिखेगी। काफी लंबे अरसे के बाद अभिषेक और ऐश्वर्या की जोड़ी को फिल्म गुलाब जामुन में देखा जाएगा, जहां पर फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट का इंतजार है कि आखिरकार संजय लीला भंसाली का क्या कुछ कहना है, संजय लीला भंसाली क्या कहेंगे जब वो अभिषेक उनसे बात करेंगे, क्या वो इस फिल्म के लिए अभिषेक को कास्ट करते हैं या फिर नहीं। ये एक काफी ही अहम फैसला संजय लीला भंसाली के लिए होगा। सो वेल फ्रेंड्स, आपने देखा बॉलीवुड बस, जहां पर हम यहां बात कर रहे हैं जूनियर बच्चन को लेकर, यानी कि अभिषेक बच्चन को लेकर। आपने देखा कि किस तरह से मनमर्जिया का, आपने भी यकीनन ये फिल्म देखी होगी और आप भी अभिषेक की तारीफ जरूर कर रहे होंगे। इस फिल्म में अभिषेक बच्चन एक सिख के किरदार में दिखाई दिए। जब ये फिल्म उन्होंने साइन की थी और उनका ये पहला लुक सामने आया था, तब हर कोई तारीफ करता दिखा। दरअसल ये फिल्म वाकई ही काफी अच्छी भी है। जो इसका रिव्यू सामने आया है, जिस अंदाज में तापसी ने, जिस अंदाज में बाकी को एक्टर्स ने यहाँ पर काम किया, हर कोई तारीफ करता दिखा। अब आपने देखा कि संजय ने भी अभिषेक का हाथ थाम लिया है। मानो जिस ब्रेक का इंतजार काफी सालों से ही बच्चन परिवार, यानी कि अमिताभ बच्चन और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन कर रहे थे कि कब अभिषेक के हाथ एक ऐसी फिल्म लगेगी जो उनके करियर को बूम देगी, वो फिल्म लग चुकी थी जो मनमर्जिया साबित हुई। अब वही हाल ही में संजय लीला भंसाली की फिल्म, जो वो बायोपिक बना रहे हैं, उस फिल्म में काम करने के लिए अभिषेक बच्चन बेहद ज्यादा उतावले भी होते दिखाई दे रहे हैं। आपने जाना कि किस तरह से अभिषेक बच्चन जो है, उनकी जो एक्साइटमेंट लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं 2 साल का गैप जो उन्होंने फिल्मों में दे रखा था, और इसका जिक्र भी किया था, उन्होंने कहा था कि ये जो 2 साल का गैप हो गया है, कहीं ना कहीं उन्हें डर था कि शायद फैंस के दिलों में उनकी जगह कम ना हो गई हो, मगर अगर आप बेहतर काम करेंगे तो फैंस आपको अपने आप ही अपने दिल में जगा देंगे। ये देखा भी गया है, ऐसा ही मनमर्जिया में देखा गया, जहां पर हर कोई काफी ज्यादा खुश है। अब फैंस को इंतजार है तो नई बायोपिक का। हर कोई जानता है कि संजय लीला भंसाली बॉलीवुड के एक ऐसे डायरेक्टर हैं कि जब भी किसी को कोई रोल ऑफर करते हैं, तो वो एक ऐतिहासिक होता है। वो जिस तरह से फिल्मों की स्क्रिप्ट लेकर आते हैं, यानी कि ज्यादातर उनकी जो फिल्में हैं वो हिस्टोरिकल होती हैं, ज्यादातर जो उनकी फिल्में होती हैं वो एक बायोपिक होती है। अगर उनकी फिल्म पद्मावत का अगर यहाँ पे जिक्र करें, तो पद्मावत में जिस तरह से रानी पद्मावती का किरदार दीपिका ने, रणवीर सिंह ने और शाहिद ने निभाया था, वो वाकई ही काबिलियत तारीफ रहा। अब उम्मीद है कि जो फिल्म संजय ने अभिषेक के साथ साइन की है, जब ये फिल्म बड़े पर्दे पर आएगी, तो मानो जूनियर बच्चन अब पीछे मुड़ के देखेंगे नहीं। अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि इस फिल्म की अभी शूटिंग शुरू नहीं हुई है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।